अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हमको एरिया आफ्टर श्रिंकेज दे रखा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 81 × 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? हेलो, नो सर। एक्चुअल एरिया ऑन मैप, एक्चुअल एरिया कितना होगा? 81 × अब हमको पता है जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर, आफ्टर श्रिंकेज वो ओरिजिनली है 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर वो एक्चुअल में कितना है? 10/9 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आफ्टर श्रिंकेज एक्चुअल में वो 10/9 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर तो ये आफ्टर श्रिंकेज है, एक्चुअल में कितना है? 10/9 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसको भी लिख सकते हैं 10/9 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं सर। ओके, सर ये 9981 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको ये रहा एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया ऑन मैप, ये रहा एरिया आफ्टर श्रिंकेज ऑन मैप। अब हमको फील्ड में एरिया कितना वो निकालना है। अब हमको दे रखा है स्केल, दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। स्केल दे रखा है 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो इसको लिखिए एरिया ऑन फील्ड, एरिया ऑन फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 100 × सेंटीमीटर स्क्वायर। को यहाँ पे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर × सेंटीमीटर। एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर है फील्ड में। 10/9 नहीं, ये हम बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, ये रहा फील्ड में, ये प्लान में। स्केल हम लोग क्या यूज किए? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, मतलब यहाँ पर जो 10 मीटर 10 मीटर है एक्चुअल में, मतलब प्लान में क्या है? 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग ओरिजिनल में कन्वर्ट कर चुके हैं इसको। अब हम लोग यहाँ 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था आफ्टर श्रिंकेज, इसको हम लोग मतलब श्रिंकेज से पहले एरिया कितना था? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। सर। अब हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम लोग स्केल क्या 10 मीटर जो मतलब फील्ड में है वो 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में है प्लान में, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑन फील्ड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 मीटर × 10 मीटर। ये फील्ड में रहा और ये मैप पे है, हम मैप को फील्ड में ला रहे हैं, तो इसमें हम फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू स्केल है 10 मीटर, तो जो फील्ड में 1 सेंटीमीटर हुए फील्ड में 10 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर की जगह पर 10 मीटर लिख दिए, 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मीटर लिख दिए, या क्या आ गया? 10,000 मीटर स्क्वायर। ये रहा एरिया ऑन फील्ड, ये फील्ड में एरिया रहा यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया। किसी कोई डाउट है क्वेश्चन में पूछ सकते हो? नहीं है सर। ओके,
गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, सबको आवाज आ रहा है क्या? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व हो रहा है क्या? ठीक नो सर। कोशिश करो। रुको, हम समझा देते। क्वेश्चन देख लो एक बार। द प्लान ऑफ अ मैप वॉज फोटो कॉपीड टू अ रिड्यूस साइज। एक प्लान था, ये पेपर पे इसको फोटो कॉपी किया गया है। सिद्धि सी प्लान वन एंड दिस इज प्लान टू टू रिड्यूस साइज। इसका जो फोटो कॉपी करने के बाद इसका साइज रिड्यूस हो गया है, सच दैट लाइन ओरिजिनली 100 मिलीमीटर मेजर्स 90 मिलीमीटर। जो 100 मिलीमीटर था प्लान वन में लेंथ, वो प्लान टू में उसका लेंथ 90 मिलीमीटर हो गया है। द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लान वाज, ये किसका स्केल दे रखा है, प्लान वन का कि प्लान टू का? हेलो, आवाज आ रहा है सबको क्या? यस सर। ये स्केल जो दे रखा है किसका दे रखा है, प्लान वन का कि प्लान टू का? मतलब आफ्टर श्रिंकेज कि बिफोर श्रिंकेज? ये आफ्टर फोटो कॉपी है, बिफोर ये फोटो कॉपी करने के बाद है। बिफोर मतलब ये ओरिजिनल जो पेपर पे था प्लान वन, ये प्लान वन का दे रखा है, प्लान वन का स्केल दे रखा है 1:1000। ये कौन सा स्केल है, इंजीनियर से स्केल है कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है? हेलो, इंजीनियरिंग इंजीनियर से स्केल ही रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है ये। इंजीनियर से स्केल होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर, कुछ इस तरह का होता है, और 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 मीटर। इंजीनियर से स्केल हमेशा 1:20,000, कुछ इस तरह से 1/20,000 और 1:20,000, ये सब रहा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, और ये सब रहा इंजीनियर से स्केल। ये दे रखा है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अब हमको बोल क्या रहा है, द रिवाइज स्केल इज
रिवाइज स्केल इज जो न्यू स्केल होगा वो निकालना है हमको। न्यू स्केल मतलब श्रंक के स्केल का बात कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो इसका आंसर बी होगा सर। बी। ठीक है चेक कर लेते हैं। सरंग के स्केल हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। ये सर आप याद आया तो सॉल्व हो गया सर। हाँ, सरंग के स्केल इक्वल टू होता है श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। वेट कर। हेलो, 2 मिनट में हम आ रहे हैं तो तुम लोग सॉल्व करो इसको। सबका आंसर आ गया क्या? हेलो, हाँ सर आ गया ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सर। बी। ठीक है चेक कर लेते हैं। जी, उसका वैल्यू सर वो पॉइंट में भी जा रहा है सर, वो भी लिखना पड़ेगा सर जैसे सॉल्व करेंगे तो। देखो ऑप्शन में मतलब हमेशा मोस्ट क्लोज ऑप्शन जो होता है वो लिया जाता है,
हमेशा कोई जरूरी नहीं तुम जो एग्जैक्ट आंसर बट निकालोगे सर वो जैसे आंसर मैच करेगा। यूनिवर्सिटी का एग्जाम में सर, हाँ उसमें तुमको, हाँ उसमें तुमको पॉइंट डेसिमल के 3 प्लेस तक और 4 प्लेस तक लिखना जरूरी रहता है, क्योंकि तुम्हारे पास कैलकुलेटर रहता है, तुम डेसिमल के 4 प्लेस तक लिख सकते हो, जितना एक्यूरेट आंसर लिखो उतना सही रहता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। द प्लान ऑफ अ मैप वाज फोटो कॉपी टू रिड्यूस साइज सच दैट लाइन ओरिजिनली 100 मिलीमीटर मेजर्स 90 मिलीमीटर। द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लान वाज 1:1000, द रिवाइज स्केल इज। एक्चुअली श्रिंक हो गया है, सर आंसर इज बी। क्या बोल रहे हो? सर आंसर बी है चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन। कुछ श्रिंकेज फैक्टर निकालना है, सॉरी रिवाइज श्रंक स्केल निकालना है। ये ओरिजिनल लेंथ रहा। आफ्टर श्रिंकेज ये रहा 90 मिलीमीटर, ये 90 मिलीमीटर में। इसका श्रिंकेज फैक्टर कितना हो जाएगा? लेंथ आफ्टर श्रिंकेज, लेंथ आफ्टर श्रिंकेज क्या है? 90 मिलीमीटर। लेंथ बिफोर श्रिंकेज ये 100 मिलीमीटर है। इसका श्रिंकेज फैक्टर कितना हो गया? 0.9। और 9/10 और 0.9। अब हमको बोलना है ओरिजिनल स्केल, तो ओरिजिनल स्केल होता है श्रंक स्केल इक्वल टू होता है ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंकेज फैक्टर। ओरिजिनल स्केल हमको दे रखा है 1/1000 और 1 in 1000, इसको लिख सकते हैं 1/1000 इनटू श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर है 0.9। ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/1000 इंटू 9/10, ये आ रहा है 9/10,000। तो सब 1/1 में है, तो इसको ऐसे करता हूँ 1/10,000 डिवाइडेड बाय 9, कितना आ रहा है ये? 1 1 1 1 4 1.1111 इस तरह से कुछ आ रहा है। ओके तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
सॉल्व कर रहे हो क्या? करो। सर सर, जैसे फ्रंट स्केल निकलता है वैसे एक्सटेंडेड फैक्टर भी निकलता है सर। क्या बोल रहे हो? जैसे श्रिंकेज फैक्टर निकलता हाँ, क्योंकि क्वेश्चन को हम समझा दे रहे है। सही हैं, सर, एक्सटेंडेड फैक्टर। क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। इन 1950 प्लान ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड वाज ड्रॉन विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये फील्ड में एक फील्ड है, ये ग्राउंड में एक फील्ड है, ये ग्राउंड है और ये फील्ड है। इसको एक पेपर पे ड्रॉ किया गया है, प्लान ड्रॉ किया गया है। ये 1950 में ड्रॉ किया गया है, 1950 में फील्ड ड्रॉन विथ स्केल ऑफ, स्केल जो यूज किया गया है वो स्केल है 1 सेंटीमीटर इजकल टू 40 मीटर। द प्रेजेंट डायमेंशन ऑफ द फील्ड रीड एज, जो प्रेजेंट डायमेंशन मतलब अभी जो है ये समझो आफ्टर 50 ईयर, आफ्टर 60 ईयर, ऐसे कुछ करके हैं। प्रेजेंट डायमेंशन जो बता रहा है ये है 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इफ एन ओरिजिनल रेफरेंस लाइन ऑफ 10.4 सेंटीमीटर, जो ओरिजिनल रेफरेंस लाइन है इस पे 9.4 सेंटीमीटर जो है वो अब रीड कर रहा है 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ फील्ड। हमको एक्चुअल एरिया ऑफ फील्ड कितना होगा ये निकालना है। क्वेश्चन समझ गए हो क्या? क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो। नहीं सर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हम शाम में फिर क्लास लेंगे सेकेंड हाफ में। तो अभी शायद संतोष सर का कोई क्लास है क्या? 10:30 बजे से सर। 11:30 बजे शायद क्लास है उनका। 10:30, हाँ 11:30 सर। हाँ, तो अभी वो क्लास लेंगे तो हम इसको इंड कर रहे हैं। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, हम फिर से शाम में क्लास लेंगे। क्वेश्चन को समझने में किसी को डाउट है क्या? सर इसका ऑप्शन बता देते सर। ठीक है, इसका आंसर बता दे रहे हैं।
क्योंकि सर इसका भी डिसीजन में आ रहा है। इसका आंसर डेसिमल में तो नहीं आएगा, इसका आंसर ये है 4241.28 मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, सॉल्व कर लेना, हम शाम में फिर क्लास लेंगे। थैंक यू। थैंक यू।